नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी ब्लॉगिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मुंगी पा बाबा का जो मंदिर हमने दिखाया था, जो कि शीशवाले के अंदर है, अभी हम उस जगह पर मौजूद हैं। देखिए हमारे पीछे जो मंदिर है दोस्तों, हम ये पार्ट एक ही वीडियो में दिखा सकते थे, मगर ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते थे हम। तो आइए देखते हैं मुंगी पा बाबा का मंदिर। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले आपको ये हवन दिख रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों मुंगीपा बाबा की जो धूप है उसको बनाया जाता और इस धूप को दोस्तों मुंगीपा बाबा के मंदिर में जलाकर मुंगीपा बाबा के जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इससे मुंगीपा बाबा प्रसन्न होते हैं और जल्दी उनकी मनोकामना पूर्ण करते। तो दोस्तों आइए, आप देख रहे हैं शीश वाला के अंदर मुंगीपा बाबा का मंदिर। तो इधर आइए आप। तो ये दोस्तों बाबा मुंगीपा है, जो लोगों के सभी संकटों को का निवारण जो बाबा के दरबार में जाते हैं उनका कर देते हैं बाबा। तो इधर आप देख सकते हैं एक बार, ये दोस्तों इसके बारे में हम क्या बताएं आपको, ये गुफा है और इसके अंदर दोस्तों हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। ये दोस्तों गुफा में ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक बार कैमरामैन से इधर कहेंगे। दोस्तों हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, मगर गुफाओं में ज्यादा अंधेरा होने के कारण हम आपको वीडियो में आपको दिखा नहीं पा रहे। काफी लंबी गुफा है दोस्तों और बहुत ही अच्छी गुफा है। तो आइए एक बार मंदिर के बाहर, हमने आपको गुफा का जो रास्ता है वो दिखा दिया था। वो काफी लंबी दोस्तों यहाँ पर गुफा है मुंगीपा बाबा की। तो दोस्तों आइए एक बार, तो दोस्तों एक बार मैं गुफा के बारे में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद महसूस की है, थोड़ी बहुत अंदर भी गया हूँ आपके वीडियो के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर जाएंगे ना, गुफा बहुत लंबी है दोस्तों, हम इसमें जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार, मुंगीपा बाबा का जो मंदिर है यहाँ पर एक कमरा है जो इधर आप देख सकते हैं, सही ये कमरा है दोस्तों। और इधर मैं बात करूं दोस्तों, इधर आ सकते, देखिए आप दोस्तों एक विशेष बात और, छोटी गुफा भी है, छोटी गुफा जो एक घड़े आप देख रहे हैं, ये छोटी गुफा है दोस्तों। घड़े रखे हुए हैं, दिए रखे हुए हैं और इधर ये आप देख सकते हैं ड्राम वगैरह है जो अन्नपात्र है। तो दोस्तों ये हवन यज्ञ आपने देख लिया होगा, जस्ट इसके सामने आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक गुफा और है दोस्तों। और एक बार कैमरामैन से कहीं एक बार जूम करके दिखाओ इसको, नेवला यहाँ पर घूम रहा है। तो ये ऊपर एक बार चलेंगे, ऊपर ऊपर वाली गुफा आपको दिखाते हैं। ये पाइप आप देख रहे हैं बिल्कुल ठेठ पहाड़ की गुफा तक है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ बाबा के दरबार में। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कितनी लंबी है ये गुफा, कितना टाइम यहाँ पर चढ़ने पर लग जाता है और किस ऊंचाई पर है जो बाबा मुंगीपा की गुफा है, सबसे ऊंची वाली जो गुफा इसको बोला जाएगा। तो चलो दोस्तों
तो दोस्तों पहुंच चुके हैं उस गुफा के अंदर जो मुंगिप्पा बाबा की सबसे ऊंची चढ़ाई पर मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर घंटियां लगी हुई हैं और अंदर गुफा का जो रास्ता सीधे आप देख सकते हैं। बहुत लंबाई से जो ये गुफा है, पता नहीं ये रास्ता कहाँ तक जाता है, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में गुफा में पूरा जाकर दिखाया नहीं, मगर लोगों से पूछने व खुद से महसूस किया जो हमने, वो आपके साथ वीडियो में हमने बताया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक कुंड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। आइए आपको कुंड दिखाते हैं। मंदिर के जस्ट साइड में ही कुंड है। ये देखिए दोस्तों, कुंड यहाँ दोस्तों, जो तालाब का पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि ऊपर से आता है बारिश के समय, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसको दोस्तों मुंगिप्पा बाबा का कुंड भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर एक नए व्लॉग के माध्यम से आपको एक नई जगह दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।